आज आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहा हूँ जिसे सुन तथा देख कर आप दंग रह जाएंगे। एक महान भविष्यवाणी की गुत्थी सुलझाने जा रहा हूँ जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने अपनी अपनी भविष्यवाणी में लिखा और कहा है। सभी महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताया गया है जो इस विश्व को नया आध्यात्मिक ज्ञान देगा, जिसके विचारों के प्रभाव से तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। मैं जानता हूँ कि हर शख्स के दिल और जुबान पर एक ही सवाल है कि वो महापुरुष कौन है, कहाँ है, कैसे दिखता है, क्या वास्तव में उस महापुरुष ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया कि यदि भविष्यवाणियां सत्य है तो वो महापुरुष भी इस पृथ्वी पर अवश्य है। इस रहस्य की गहराई को जानने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने कई भविष्यवक्ताओं के सीक्रेट कोड को डीकोड किया और जो रहस्य उजागर हुआ उसने हमें अचंभित कर दिया। जी हाँ, वो महापुरुष जिसके बारे में सदियों से बातें होते हुए आ रही है, वो महापुरुष इस धरती पर आ चुके हैं। यही वो महापुरुष है जिसकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर मानवता का उत्थान होगा, भारत से अखंड पृथ्वी का संचालन होगा, विश्व युद्ध भी टलेगा, स्वर्ण युग की शुरुआत होगी, हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु रूप से जाना जाएगा। ये सफर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का है। तो चलो मेरे संग और जानो उस महापुरुष का रहस्य। 15वीं सदी के विश्व विख्यात भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्राडमस ने कई भविष्यवाणियां की और कई बार उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उनकी हर भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। चलिए देखते हैं महान भविष्यवक्ता नोस्ट्राडमस की भविष्यवाणी क्या कहती है। विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्राडमस, जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया कि वो महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर, हिंद महासागर के नाम से होगा, हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो तीन ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल करता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। नोस्ट्राडमस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वो महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धार्मिक गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नोस्ट्राडमस ने उस महापुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा कि उस महापुरुष पर देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोह समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। शतक 6 श्लोक 70 में नोस्ट्राडमस ने कहा कि वो महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वो महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वो महापुरुष सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा, वो महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वो महापुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा और उसके प्रचार को रोकना नामुमकिन होगा। मैं नोस्ट्राडमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। पूरी शक्तियाँ उस महान संत के प्रचारों को रोकने का प्रयास करेगी, उन पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा भी चलाया जाएगा। हमारी टीम ने अपनी खोज को पुख्ता करने के लिए फ्लोरेंस नाम की उस भविष्यवक्ता के भविष्यवाणियों को भी गहराई से पड़ताल किया। तो देखते हैं महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणी क्या कहती है। न्यूजर्सी अमेरिका की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की बेहद रोचक और सटीक भविष्यवाणी करके दुनिया को चौंकाने वाली इस महिला भविष्यवक्ता ने उस महापुरुष के स्वरूप को अपनी लेखनी में इस कदर उतारा है
कि सुनकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं देखती हूँ वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष में एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सत मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य पुरुष का जिक्र किया है। इंग्लैंड के महान भविष्यवक्ता कीरो का क्या कहना? कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है, भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं दुनिया के महान भविष्यवक्ता वेजिलेटिन। भविष्यवक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का हरास, माया संग्रह की दौड़, लूट व राजनेताओं का अन्याय हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पाद देखने को मिलेंगे। परंतु भारत में उत्पन्न हुई शांति भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन और चैन उत्पन्न करेगी। भविष्यवाणी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, यह एक वरदान होता है और दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं दुनिया के महान महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन की भविष्यवाणी क्या कहती है। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। अमेरिका आज के युग का सबसे शक्तिशाली और विशाल देश माना जाता है। अमेरिका के विद्यालय और शिक्षा दुनिया भर में मशहूर है। संशोधन का केंद्र है अमेरिका। आइए देखते हैं अमेरिका के महान भविष्यवक्ता एंडरसन की भविष्यवाणी क्या कहती है। 21वीं सदी में भारत के देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और झंडे की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। हम दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर रिसर्च कर चुके हैं। दुनिया के हर देश के भविष्यवक्ताओं को खंगाल चुके हैं। हमारी रिसर्च टीम ने हंगरी की महान भविष्यवक्ता बोरिस्का की भविष्यवाणी को डीकोड किया। जानना चाहते हैं कैसे? आइए देखते हैं। हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिकता से बदल देंगे। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आया है। फ्रांस की भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी जैसे पत्थर पर खींची एक लकीर है। हमारी रिसर्च टीम ने फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता डॉक्टर जुवलन की भविष्यवाणी को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं हमें क्या मिला है। डॉक्टर जुवलन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। इजराइल के प्रोफेसर हरार ने भी उस महापुरुष के बारे में भविष्यवाणी की। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर देगा व सारे विश्व को अपने विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे।
आइए देखते हैं नॉर्वे के भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी में सीधे और साफ लफ्जों में कैसे भारत का उल्लेख किया। नॉर्वे के श्री आंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश लाएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता पर पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध संत तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव जी को कौन नहीं जानता, तो आइए जानते हैं क्या थी वो भविष्यवाणी। वो महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वो विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी।